इंदौर जिले के बेटमा नगर में नवरात्रि की धूम मची है। हर जगह पांडालों में माता रानी के गरबों और भजनों का रंग चढ़ने लगा है। नगर के नर्मदा नगर आवास कॉलोनी, त्रिवेणी चौराहा, मंत्री कॉलोनी, पूरा बाजार सहित कई जगहों पर देर रात तक गरबे हो रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के गांव अटावदा, गोहाना, रंगवासा, मोथला, माचल और धन्नड़ सहित कई जगह माता रानी के जगरातों में भीड़ उमड़ रही है। नगर के अन्नपूर्णा मंदिर में देवास के प्रसिद्ध भजन गायक द्वारका मंत्री की भजन संध्या हुई। वहीं मां अन्नपूर्णा के भक्तों द्वारा निकाली जाने वाली भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन बुधवार को नगर में किया गया, जो प्रातः 10 बजे से कचहरी घाटी प्रांगण से प्रारंभ होकर कुशवाहा मोहल्ला, त्रिवेणी चौक, आवास कॉलोनी, अम्बेडकर चौराहा से होकर नगर भ्रमण करते हुए माँ अन्नपूर्णा मंदिर पहुँची, जिसमें भक्तिमय गीत संगीत की धुन पर थिरकते गरबा मंडली के साथ 151 कन्याओं के द्वारा कलश धारण किया गया और साथ ही मातृशक्ति के साथ पुरुष वर्ग भी मां की 151 फीट लंबी चुनरी अपने हाथों में लेकर मां की आराधना करते हुए चले। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। गुलामा आया रे, ओ ऊंची
सफल हुई है। यह यात्रा स्वर्गीय श्री जानकी वल्लभ जी रावल दिया जो कि गजित है इस स्मृति में निकाली जाती है और इसके अंदर सभी नगर का सहयोग रहता है। सभी वर्ग के सभी समाज के इसमें सहयोग करते हैं और यात्रा में सभी व्यक्ति आते हैं, जिसके अंदर हम कचहरी घाटी जो कि हमारे पास में है उससे यात्रा शुरू करते हैं और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए गरबा नृत्य और बाकी बहुत सारी कलाकृतियों के साथ में माता जी को हम यहाँ पे आकर चुनरी अर्पण करते हैं। चुनरी निकालने का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरित है यह यात्रा। इसका आयोजन कितने वर्षों से हो रहा है? इस यात्रा का आयोजन 9 वर्षों से हो रहा है, यह 9वां वर्ष था इसका। और आप सभी और सभी बेटवा नगर वासी आसपास के वासियों के द्वारा ये यात्रा का आज संपन्न हुआ। यात्रा का मार्ग कुल कितने किलोमीटर का होता है? यात्रा का कुल मार्ग 1.5 किलोमीटर का है। 1.5 किलोमीटर सब गरबा करते हुए सभी भक्तिमयी लोगों के साथ सभी पब्लिक माता बहनें इसमें निकली और सभी ने माता जी को चुनरी अर्पण करी। आपका नाम? मेरा नाम सूर्यपाल दावंतिया बेटवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।